हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइटमिन बी वन की यानी थाइमीन की तो थाइमीन के हम फंक्शन को देखेंगे डिफिशियंसी को देखेंगे और कुछ डिसऑर्डर जो हैं वो थाइमीन की डिफिशेंसी की वजह से होते हैं उसको देखेंगे और उस डिसऑर्डर में क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं वो हम देखेंगे तो देखिए थाइमीन को हम बी भी बोलते हैं वही यहाँ पर दिया गया कि बी वन कॉल्ड एज थाइमीन फंक्शन की बात करते हैं तो देखिए थाइमीन पायरोफॉस्फेट जिसको हम टी भी बोलते हैं एक फैक्टर फॉर सेवरल डिहाइड्रोजिनेस इंजाइम रिएक्शंस तो ये टी को फैक्टर है फॉर सेवरल डिहाइड्रोजीनियस इंजाइम रिएक्शन में और उसके बाद फिर देखिए किस इंजाइम में सेवरल डिहाइड्रोजिनियस इंजाइम रिएक्शन तो उसमें से मोस्ट और या इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं तो देखिए बी ए पी टी तो देखिए बी ए पी टी यहाँ पर देखिए बी से हो गया हमारा ब्रांच टैंक कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस ये फर्स्ट इंजाइम हुआ जहाँ पे ये टी पी पी को फैक्टर की तरह काम करता है और इसी तरीके से अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस ये साइकिल का इंजाइम है ये देखिए यहाँ पे हमारी एक साइकिल है और देखिए अल्फा कीटोक्लूट्रेट को ये कन्वर्ट करता है सक्सिनाइल को ए में तो ये जो है ये टी पी पी इस पर वर्क करता है एज ए कोफैक्टर ठीक है ये हो गया और उसके बाद फिर देखिए ये पाइरूएट डिहाइड्रोजिनेस ये पाइरूएट डिहाइड्रोजिनेस ये लिंक ग्लाइकोलिस टू क्रेपसाइकल तो देखिए ये पायरुए डिहाइड्रोज देखिए यहाँ पे ये देखिए ये पायरुए डिहाइड्रोजिनेज ये देखिए पायरुवेट को कन्वर्ट करता है एसीटाइल को में तो वही ग्लाइकोलिसिस ऊपर से आ रही है और ये हमारी क्रेपसाइकल है तो इसको कनेक्ट करता है तो यहाँ पर भी ये टी पी पी को इंजाइम का काम करता है उसके बाद फिर हम बात करते हैं ट्रांस इसकेटोलेज ये टी पी पी ट्रांस स्केटोलेज पर भी वर्क करता है एज ए को और ये ट्रांस स्केटोलेज ये एच एम पी शंड का इंजाइम है तो देखिए ये हमारा एच एम पी है और एच देखिए शिकस फाइव फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है फ्रक्टो फॉस्टफेट में तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ट्रांस ट्रांसस्केटोलेज है और इस ट्रांस ट्रांसस्केटोलेज को टीपीपी इंड्यूस करता है एज ए को ठीक है ये हो गया तो ये हमने चार इंजाइम देख लिए अब इसके बाद इसकी डिफिशेंसी की वजह से क्या परेशानी है कि हम देखते हैं तो देखिए डिफिशियंसी में इम्पेयर्ड ग्लूकोज ब्रेकडाउन तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इंपेयर्ड हो जाएगा सबसे पहले क्योंकि ये सारे जो है ग्लैकोलिस के इज़ाम है देखिए पायरुविडिहा डिहाइड्रोजिनेज और ये देखिए एच एम्पिशन का ये इंज़ाइम है और उसके अलावा देखिए जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कम हो जाएगा तो अब क्या होगा ए टी पी डिप्रेशन वर्स बाई ग्लूकोज इन्फ्यूज़न अब देखिए अब जब हम ग्लूकोज का इन्फ्यूज़न करते हैं इस कंडीशन में कि यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पहले से इम्पेयर है उसके अलावा फिर हम ग्लूकोज फिर से इन्फ्यूज़ करते हैं तो ए टी पी का डिप्रेशन और ज़्यादा वर्स हो जाएगा क्यों क्योंकि जो थाइमिन थोड़ी बहुत थी वो अपना काम कर रही थी और अचानक जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आएगा तो ये थाइमीन सारी यूज़ हो जाएंगी इसी वजह से कंडीशन और ज़्यादा वॉर्स हो जाएगी तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि ग्लूकोज़ का ब्रेकडाउन कम हो जाता है वैसे भी थाइमीन की डिफिशेंसी में और जब थाइमीन की डिफिशेंसी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कम हो गया ग्लूकोज़ नहीं कम हुआ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कम हुआ अब हम और ज़्यादा ग्लूकोज़ अगर दे दिए तो थोड़ा बहुत जो हमारे पास थाइमीन का स्टोरेज था वो थाइमीन ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को धीरे धीरे शो कर रहा था और धीरे धीरे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके ए जनरेट कर रहा था अब अचानक ग्लूकोज के आने की वजह से ये सारे थाइमीन एक साथ यूज होना चाहेंगे और जो हमारे पास स्टोरेज था वो भी ख़त्म हो जाएगा जिसकी वजह से ए टी और ज़्यादा वॉर्स हो जाएगी और उसके बाद फिर क्या tissues, है हाईली एरबिक टिशूज़ जैसे ब्रेन हार्ट है आर अफेक्टेड फर्स्ट तो हाईली एरबिक टिशूज जो हैं जैसे ब्रेन और हार्ट सबसे पहले यही अफेक्ट होते हैं ग्लूकोज ब्रेकडाउन के एम्पेयरमेंट में और उसके बाद फिर क्या है इन पेशेंट विथ क्रोनिक एल्कोहल ओवर यूज और माल न्यूट्रिशन गिव थाइम बिफोर डेक्स्ट्रोस टू डिक्रीज रिस्क ऑफ प्रिसिपरेटिंग वर्निकी इंसिफिलोपैथी तो ये बताया जा रहा है कि क्रोनिक एल्कोहल ओवर यूज़ या माल न्यूट्रिशन के जो पेशेंट हैं उनमें डेक्स्ट्रोज देने से पहले थाइमीन दिया जाता है क्यों क्योंकि डेस्ट्रोज दिया जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा तो उस कंडीशन में वर्निकीज इंसिफिलोपैथी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है तो वर्निकीज इंसिफिलोपैथी के रिस्क को प्रसिपटेट करने के लिए पहले थाइमीन दिया जाता है उसके बाद डेस्ट्रोज दिया जाता है कि थाइमीन जब हमारे पास पहले से मौजूद होगा तो डेक्स्ट्रोस दिया जाएगा तो ये थाइमीन को फैक्टर वर्क करेगा और इस डेक्स्ट्रोज को ब्रेक डाउन करेगा और ए जनरेट करेगा तो ये हुआ कि माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में हम पहले थाइमीन देंगे उसके बाद डेक्सट्रोज देंगे इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि डिक्रीज रिस्क ऑफ प्रिस वर्निकी इंसिफिलोपैथी और उसके बाद फिर डायग्नोसिस की बात की गई तो देखिए डायग्नोसिस मेड बाय इंक्रीज़ इन आरबीसी बी ट्रांसकिटोलेज एक्टिविटी फॉलोइंग विटामिन बी वन एडमिनिस्ट्रेशन तो ये बताया गया कि डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं तो हम पहले थायमिन देंगे और थायमिन देने के बाद हम चेक करेंगे कि आर में ट्रांसकिटोलेज की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही या नहीं अगर इंक्रीज हो रही है तो इससे हमें पता चल जाएगा थाइमिन की, की डिफिशियंसी थी तो यही है कि डायग्नोसिस मेड बाय इंक्रीज इन आरबीसी ट्रांसकेटोलेज एक्टिविटी तो आरबीसी में ट्रांसकेटोलेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी थाइमिन देने के बाद फॉलोइंग वटविन बी वन एडमिनिस्ट्रेशन तो अगर बढ़ जा रही है तो इसका मतलब है कि बी वन की डिफिशेंसी थी तभी पहले कम थी और बी वन देने के बाद ये बढ़ जा रही है यानी बी वन की डिफिशेंसी थी ठीक है और कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तो यानी बी वन की डिफिशेंसी नहीं है ये तो हो गया हमारा डिफिशेंसी की कंडीशन